मॉर्निंग एवरीवन, मैं नितिन सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लास 10 का नेशनलिज्म इन इंडिया इस टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है द रोलैक्ट एक्ट। द रोलैक्ट एक्ट इट वाज एन एक्ट, इट वाज पास इन 1919 थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस कमिटी। दिस एक्ट गिव गवर्नमेंट enormous powers to repress the political activities. तो रोलैक्ट एक्ट क्या था? 1919 में एक कानून पास हुआ कि इंडिया के ये जो कानून पास हुआ इसके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडिया का एक सिंगल मेंबर भी नहीं था और सरकार को ऐसी पावर मिली कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर दे। आइए पढ़ते हैं रोलैक्ट क्या था और रोलैक्ट एक्ट कैसे था और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और उसका इफेक्ट इंडियन गवर्नमेंट पे क्या हुआ। रोलैक्ट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन पॉलिटिकल एक्टिविटीज विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। रोलैक्ट एक्ट इस कानून ने हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे उनको अरेस्ट करने का और इम्प्रिजन करके जेल में डालने का अधिकार दिया और यहाँ कोई ट्रायल नहीं, नो कोर्ट एक्टिविटी, ना ही कोई कोर्ट में केस चलेगा, सीधा उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। महात्मा गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच इनजस्ट लॉस विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और गांधी जी कहना था कि लॉ इनजस्टिस लॉ है और 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल स्टार्ट कर दी। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। देखिए ये जो इंपैक्ट था, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। आंसर है, पीपल ऑर्गेनाइज हड़ताल इन सिटीज, रेलवेज वेंट ऑन स्ट्राइक, शॉप्स वेर क्लोज डाउन, लीडर्स वेर अरेस्टेड, एट अमृतसर पुलिस फायर ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज। क्या हुआ, रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह जब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ तो लोगों ने इसको अलग तरह से रिएक्शन दिया। लोगों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी शहरों के अंदर, रेलवे के जो वर्कर्स थे इन्होंने स्ट्राइक करवा दिया, दुकानें जो थी वो बंद करवा दी गई, लीडर्स कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, अमृतसर में पुलिस फायर किया गया एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर और इंडिया के अंदर मार्शल लॉ स्टार्ट कर दिया। रोलैक्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इनके नाम से ये कानून पास आउट हुआ था। आइए इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। इन डिटेल, गांधी जी अपोज रोलैक्ट एक्ट बाय नॉन वायलेंट सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। व्हाट हैपन, रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स वेर क्लोज डाउन, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड स्केयर्ड दैट इंडियंस वुड डिसऑर्डर द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ब्रिटिशर्स काफी डर गए थे क्योंकि बहुत सारी रैलीज निकाली गई, वर्कर्स ने रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक करवा दिया, दुकानों को बंद करवा दिया और ब्रिटिशर्स थोड़े डर गए थे कि उनका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था ये इंडियन लोग डिस्टर्ब ना कर दे। सच अ रेलवे टेलीग्राफ सो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लोज एंड कंट्रोल द नेशनलिस्ट। क्या किया गया, लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा दिया गया, महात्मा गांधी जी को कहा नॉट टू एंटर इन दिल्ली, ऑन 10th अप्रैल पुलिस फायर ऑन अमृतसर ऑन पीसफुल प्रोसेशन एंड दे अटैक। दिस इंसिडेंट प्रोवोक इंडियन पीपल द अटैक। इंडियन लोगों ने हमेशा क्या किया है, जब भी इस तरह से ब्रिटिशर्स ने बिहेव किया तो इंडिया के लोगों ने जो भी सिविल गवर्नमेंट ऑफिसेस है, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इनके ऊपर अटैक किया। ब्रिटिशर्स वांटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड मार्शल लॉ। जनरल डायर इन्होंने ये कमांड संभाली और उन्होंने जलियांवाला बाग मास्केर कर दिया, मास इवेंट हुआ। आइए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आज का टॉपिक रोलैक्ट एक्ट अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, वेलकम।